हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूं जो आप इस मुसीबत के समय भी मुझे बहुत हेल्प कर रहे हो। आप सभी लोग, आप सभी का सपोर्ट, आप सभी का जो प्यार मुझे मिल रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच। तो गाइज, यहां मेरा थोड़ा वो जो होम थिएटर था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, आवाज़ इसका सही नहीं आ रहा था, तो इसे मैं बस बनवाने के लिए यहाँ ले आई थी। तो वही मैं बन गया था, तो मैं चेक कर रही थी, तो अब यहाँ से निकल रही हूँ घर के लिए। तो घर के लिए मैं निकल रही थी तो मैं उस रास्ते से गुजर रही थी जहाँ पे जीडीए वालों ने कई लोगों के मकान और दुकान तोड़ के बिल्कुल ध्वस्त कर दिए हैं। ये गोरखनाथ का एरिया है, जो योगी आदित्यनाथ जी का एरिया है यहाँ पे, और यहीं पास में गोरखनाथ बाबा का मंदिर भी है। तो आप इससे 2-3 मिनट का रास्ता होगा बस, आगे आदित्यनाथ जी का जहाँ निवास स्थान है और गोरखनाथ का मंदिर है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के इस एरिया का क्या हाल हो रखा है। सारे कई लोगों के, हजारों के घर इस तरीके से ध्वस्त कर दिए गए हैं। ये एरिया बहुत ही बुरी हाल, बहुत ही बदहाली में गुजर रहा है यहाँ पर। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ और ये क्यों हो रहा है, ये भी मुझे नहीं पता। तो ये है सूरज कुंड एरिया जहाँ हॉट स्पॉट बना हुआ है। इस तरीके से करके कई जगह हॉट स्पॉट बनता चला जा रहा है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं आ गई हूँ अब घर पर, तो मेरा पायल थोड़ा गंदा हो रखा था, तो अब चूँकि आज मुझे जाना था शादी में, तो बस। कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, इस समय मैं तैयार हो गई हूँ और आज मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है। ये साड़ी हमने ऐसे पहन रखी है और मुझे जाना है शादी के एक फंक्शन में। शादी में बारात नहीं है वहाँ पर, और आज वहाँ पे जो इधर हमारे साइड में होता है ना, चकिया और मटकोरवा, आप लोग पता नहीं जानते हैं कि नहीं। और तो मैं वहाँ पहुँच के अभी आप लोगों को वो सारा व्यू शायद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और इस टाइम बज रहे हैं शाम के 5, और देखिए मैं 5 बजे निकल रही हूँ। अभी निकलने में मुझे 10-15 मिनट लगेगा क्योंकि किसी के साथ हमको जाना है, वो आ जा रही हैं, फिर हम जाएँगे साथ में। तो बस मेरा बस ये रोज़ का काम हो गया, बस रात का डिनर ही मुझे बनाना है। वैसे कोई खास काम था नहीं, बच्चे भी अपने नानी के वहाँ गए हैं, कोई है नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं घर पे। तो गाइस फिर चलिए मिलती हूँ फिर वहाँ पहुँच के आप लोगों से, वहाँ पहुँच के आप लोगों से बात होती है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ उनके घर में ही। तो अभी बस मैं आ गई हूँ इनके घर जहाँ पे शादी पड़ी हुई है। ये मेरे जस्ट पड़ोस में ही है, मेरे सामने है। तो यहाँ मैं जब वीडियो शूट कर रही थी तो मेरे साथ की जो फ्रेंड्स हैं तो वो सारा खूब मस्ती कर रही थी, बहुत ढेर सारा मस्ती भी हो रहा था, यहाँ फ़न भी हो रहा था और यहाँ रस्म भी अपना चल रहा था। तो यहाँ कुछ लोग रिश्तेदारी में हैं इनके, लड़के वाले के घर के हैं, और कुछ लोग कॉलोनी के लोग हैं, मतलब आधे लोग वहाँ कॉलोनी के हैं, तो आधे लोग रिलेटिव हैं इनके जिनके यहाँ शादी पड़ी हुई है। तो ये जो लाल चुनरी में बैठी हुई हैं, ये लड़के की मम्मी हैं। और यहाँ पे इस समय 5 तरह का अनाज फटका जाता है सूप में, जो सूप होता है जिससे अनाज फटका जाता है, तो बस वही फटका जा रहा था। तो ये जो सामने दीदी बैठी हुई है वो मुझे ही इशारा कर रही थी कि लगे रहो, तो ऐसा कुछ बोल रही थी। तो मैं जब वीडियो शूट कर रही थी तो इस टाइम पे मुझे हंसी भी बहुत तेज आई और यहाँ लाउड इतना अधिक था कि मुझे वाइट ओवर देना पड़ रहा है। मैंने मतलब रियल साउंड को हटा दिया है यहाँ से। तो अभी जब ये अनाज वगैरह फटका जा रहा है तो ये 5 सुहागिनें मिलके इस तरीके से जो चकिया होता है, चक्की जिसमें अनाज पहले के लोग पीसते थे, तो उसी में ये अनाज पीसा जा रहा है। ये दाल है जो हल्दी के एक दिन या दो दिन पहले, ये एक दिन या दो दिन जो जब जैसे रख ले, तो इस रस्म को किया जाता है। यहाँ 5 सुहागिनें मिलके ऐसे करती हैं। तो इस टाइम पे पीला सिंदूर और सिर पे तेल रखने का भी रिवाज है, तो वही रिवाज यहाँ चल रहा था। तो जो नाक के ऊपर से लगाया जाता है ना, तो बहुत लोग उसको लगाने में बहुत शर्म महसूस कर रही थी, हंसी आ रही थी लोगों को, मजाक भी चल रहा था, तो कोई लोग लगवाना नहीं चाह रहे थे। तो बस एक दूसरे को लोग कमेंट्स कर रहे थे कि बस इनको भी लगा दो, इनको भी लगा दो। मुझे भी लगाया गया था बट मैंने नाक से नहीं लगवाया था। तो ये बहुत ही अच्छा रिवाज और बहुत ही अच्छा रस्म है यहाँ पे। फिर उसके बाद गाना वगैरह बहुत देर तक होता है, 2 घंटे तक तकरीबन यही सारा रस्म चलता रहा है। और तो और अब यहाँ पे महावर लगाने का जो रिवाज चल होता है, नाउन वगैरह लोग लगाती हैं, शादियों में नाउन को बुलाया जाता है, तो ऐसे ही सभी को डिज़ाइन लगा रही थी। तो ये डिज़ाइन मैंने सोचा कि बहुत ही खूबसूरत लगता है, जिस साँचे से ये लगा रही थी वो साँचा मुझे बनाने भी आता है और मैं ऐसे डिज़ाइन भी बना लेती हूँ। अगर आप लोगों को डिज़ाइन पसंद आए तो आप लोग बताइएगा, तो मैं ये साँचा भी बनाना आप लोगों को बताऊँगी और ये डिज़ाइन दोबारा से मैं फिर से बना के और लगा के आप लोगों को साथ शेयर करूँगी। और यकीन मानिए लगने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर हम पैरों में मेहंदी न भी लगाएं तो भी हमारे पैर बहुत ही भरे भरे और सुंदर से लगते हैं।
महावर का हम ऐसा ही डिज़ाइन लगाना पसंद करते हैं जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। तो बस इसके बाद ही हम लोग चलते हैं कॉलोनी के मंदिर में, जहाँ से कुल्हाड़ी से मिट्टी निकाला जाता है और मिट्टी की पूजा वगैरह की जाती है। जो चकिया वाले दिन ही चूल्हा छोटा सा बनाया जाता है जिसमें धान का लावा वगैरह भुना जाता है। तो ये सारी कई रस्में हैं। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे मंदिर में। तो आप उसके पहले देखिए, मैंने दोनों पैरों में ऐसे महावर लगा दिया, ये मेरे दोनों पैर मेरे ही हैं। तो गाइज, अब ये सारा रस्म होने के बाद हम लोग घर पहुंच जाते हैं। तो फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।